हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सुबह से बहुत परेशान हूँ। आज सिम्बा को फीवर है। कल इसको डीवॉर्मिंग लगाया था और मेडिसिन जो दी थी आपने डीवॉर्मिंग की, तो सिम्बा जो है आज सुबह से कुछ खाया नहीं है और दो बार वोमिटिंग भी कर चुका है। तो आज देखिए वो मेरे पास ही सुबह से है और बहुत परेशान है वो आज। तो आज मेरे को वो छोड़ नहीं रहा है और मेरे साथ ही सुबह से बिस्तर में है और रात में भी बहुत परेशान किया, चिल्लाया है। तो मैं उसको घर में ही बुला लिया था और मेरे साथ ही सोया है। और तो आज हम इसके लिए डॉक्टर को कॉल लगा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके लिए। तो चलिए अपन डॉक्टर से बात करते हैं और देखते हैं कि सिम्बा को आखिर हुआ क्या है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, क्योंकि इस समय अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में बड़ी भी दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। और मैं बहुत परेशान हूँ, तो मुझे लगा कि आप लोगों से भी पूछना चाहिए कि इस समय क्या कर सकते हैं। एक्चुअल में मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मेरे हिसाब से ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि फिर भी विटनेस से बात करना चाहिए। और विटनेस जो हैं तो अपने खुद के ही घर के ही हैं, जीजा जी हमारे। तो चलिए उनसे कॉल लगा के पूछते हैं कि कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, और अगर दिक्कत होती है तो फिर क्या एक्शन ले सकते हैं, उसके लिए आप लोगों से पता करते हैं। आज सिम्बा बहुत परेशान है। आ जाओ सिम्बा नीचे, आ जाओ बैठ जाओ, बहुत परेशान है सिम्बा। चलिए कॉल करते हैं उन्हें। हेलो हेलो। जीजा जी, सिम्बा को कल डीवॉर्मिंग दिया था मैंने, 2 टेबलेट। तो सुबह से इसको 2 बार वोमिटिंग हो गई है, कुछ खा भी नहीं रहा और ड्राउजी ड्राउजी फील कर रहा है। ड्राउजी ज्यादा फील कर रहा है क्या? तो वोमिटिंग क्यों कर रहा है? वोमिट क्यों कर रहा है? मुझे नहीं करना चाहिए। वोमिटिंग ज्यादा नहीं किया है, जैसे ऐसा लग रहा था कि कफ टाइप का थोड़ा सा। वोमिटिंग करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए? तो क्या किया जाए? अभी वोमिटिंग तो हो रही है। वोमिटिंग हो रहा है तो वोमिटिंग के लिए जो आता है ना इंजेक्शन, ऑंडास्ट्रॉन, हाँ वो दे दो। हाँ ऑंडास्ट्रॉन IM दे दूँ, इंटरमस्कुलर दे दूँ? ये और कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि ज्यादा उसे डिवॉर्मिंग दे दिया उसकी वजह से? दो हैवी तो नहीं होती दो? नहीं, हैवी नहीं होती एक्चुअली। वो उसके लिए जो काफी उसकी ब्रॉड रेंज है, उसकी जो ना एयरमेक्सिन की, हाँ वो आपके 5 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दे रही है। 10 मिलीग्राम थी ना टोटल डोज, हाँ हाँ तो मतलब 20 किलो के लिए भी दो, मतलब 1 10 किलो पे भी दे सकते हैं। तो हाँ तो मैंने तो 40 किलो पे दो दी थी और हमने सोचा था कि फिर आज एक वो बार और दे देंगे। अच्छा नहीं, मत देना। नहीं दो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ऑन्डास्ट्रॉन एंटी वोमिटिंग का एम्पुल। हाँ वोमिटिंग दे दो, देखो क्या है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, डाइजेशन और पोटी वोटी गया कि नहीं गया? थोड़ा हाँ पोटी भी कर लिया है, बस खा नहीं रहा है बस। सा होता है, साइड अच्छा, कोई दस इफेक्ट हो सकता है। वैसे अच्छा कुछ कोई नहीं है, अगर तुम्हें लगता है तो फिर उसमें ड्रिप चढ़ा देना, उसे नॉर्मल अगर और चढ़ा देना। डिहाइड्रेट हो गई तो और चढ़ाना पड़ेगा हाँ नॉर्मल सिलाई चढ़ा देना। नॉर्मल सेलाइन या IV, है ना, इंट्रावेनस? ठीक है भैया, धन्यवाद। नॉर्मल ओके, सलाइन 200 ml, 200 ml, 200 ml IV। ठीक एक काम ठीक तो चढ़ाना ज्यादा, 150 250 ml, 200 ml काफी है। नहीं तो अभी जैसे वोमिटिंग एक या दो बार हुई है तो अभी तो डिहाइड्रेट नहीं होंगी बॉडी, पानी भी नहीं अभी नहीं, अगर, पानी पी रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पानी पी रहा तो कोई दिक्कत अच्छा अगर पानी ना पिए तो फिर अपन IV में जाएंगे और वो भी नहीं। नॉर्मल सेलाइन हाँ देंगे। NS की हाँ DS? बराबर, नॉर्मल सलाइन सही है दोनों, नॉर्मल डीएस सेलाइन लगा 5% ग्लूकोज इतना कोई दिक्कत नहीं है। लो। ओके ओके जी, थैंक हाँ ओके फ्रेंड्स, तो देखा अपन ने बात करी है और लगता नहीं है कि ज़्यादा दिक्कत होगी, और अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर अपन इंटरवेनस भी देंगे उसे, और जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और प्लीज़ सिम्बा के लिए प्रे करिए कि वो जल्दी जल्दी सही हो जाए। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड बाय बाय, टेक केयर। और सिम्बा को भी प्लीज़ प्रे करिए कि वो जल्दी सही हो जाए। बाय बाय।